सीबीएसई 10वीं और 12वीं के टर्म 2 बोर्ड एग्जाम 15 जून 2022 तक आयोजित किए गए थे। बोर्ड ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.government.in, इसके अलावा cbse.results.nic.in और साथ ही results.cbse.nic.in पर विजिट कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए जरूरी कदम उठाया है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छात्र इस सुविधा के माध्यम से रिजल्ट जारी होने के बाद घर बैठे बैठे अपनी मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल सीबीएसई इंटरमीडिएट और मैट्रिक के छात्रों को डिजी लॉकर अकाउंट के लिंक के माध्यम से अपनी मार्कशीट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स घर बैठे डाउनलोड करने का मौका दे रहा है। डिजिटल एक्सेस की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए छात्रों को एक स्पेशल सिक्योरिटी कोड या सिक्योरिटी पिन दिया जा रहा है। इस पिन की मदद से छात्र डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और ऑनलाइन मार्कशीट हासिल कर सकते हैं। जानकारी अनुसार स्कूलों ने छात्रों को सिक्योरिटी पिन उपलब्ध करा दिए हैं। छात्र अपने स्कूल से संपर्क करके भी ये सिक्योरिटी